मैं तुम्हें बाहरी जहाज पे तेल दे दूंगा। ये जहाज पहुंचा यहाँ पर, पैसे बच रहे हैं, पैसे बच रहे हैं। ये जहाज पहुंचा यहाँ पर, बगल में साइड में लगा। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। लेट्स टॉक अबाउट बंकर बार्जेस टुडे। चलिए, बंकर बार्ज क्या है, और आपको मजे की बताता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में एक नहीं दो दो बंकर बार्ज पे सेल किया हूँ। अब बंकर बार्ज छोटे भी हो सकते हैं, ये वो बार्ज होते हैं जिस पे हम तेल होता है, ऐसे हैवी फ्यूल ऑयल स्टोर करके रखा है। ये जहाज कहीं खड़ा है पोर्ट के ऊपर या बीच समुंदर में खड़ा है, और इसके ऊपर हैवी फ्यूल ऑयल है। बगल से एक जहाज जा रहा, उसने बोला भाई मुझे तेल चाहिए। ये जहाज बोला अच्छा भाई मैं तुझे तेल दे दूंगा, मेरे को इतना पैसा चाहिए। रफ एस्टिमेशन उसमें बता रहा हूँ, अदरवाइज कंपनीज करती हैं। तो मुझे याद है जब मैं सियरलैंड में था, तो एक नॉर्डिक रूथ करके जहाज था जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में ही रहता था। तो वो जहाज पोर्ट पे गया, लोड किया, आके बाहर खड़ा हो गया। अब कभी आ रहा है, अच्छा शाम को 4 बजे ये जहाज आ रहा है, इसको एसटीएस शिप टू शिप ट्रांसफर करो। जहाज के बगल में जहाज खड़ा होगा और तुम इसको 400 टन ऑयल दे दो। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मेरा मैं शिप पे हूं, तो हम पोर्ट पे जाते हैं और ऑयल लेते हैं, राइट? तो बंकरिंग होती है, उसे बंकरिंग कहते हैं। सिंगापुर पे गए, तेल लिया। लेकिन दूसरा होता है कि एक शिप दूसरा बगल में आके साइड में लगता है और वह हमें ऑयल देता है, उस शिप को कहते हैं बंकर बार्ज। तो मैं जिस शिप पे था वो 220 मीटर लंबा था, बिग वन, लेकिन फिर भी लोग हमें बुलाते थे बंकर बार्ज, मोटर टैंकर, नॉर्डिक ग्रोथ कमिन। हमें बहुत गुस्सा था, वी आर नॉट बंकर बार्ज, हम ऐसे बोलते थे, क्योंकि बंकर बार्ज इज मेंट टू बी स्मॉल, छोटे होते हैं और वो जनरली कोस्टल एरिया में रहते हैं। फिर मैं एक और दूसरा जहाज किया, दैट वॉज बीपी शिपिंग का, मुझे एग्जैक्टली याद है, शायद मोटर टैंकर एमिश्री था, वो भी गल्फ ऑफ मेक्सिको में रहता था, वो भी एसटीएस ट्रांसफर ही करता था। और मजे की बात बताऊं आपको, एसटीएस में मोटर इसका कॉम्पिटिटर कौन था, एमटी नॉर्डिक रूथ। ये दोनों से, और मैं दोनों जहाज किया हुआ था, तो दिस इज समथिंग दैट आई रिमेंबर। तो खैर एनीवेज, तो ये बड़े बड़े जहाज थे जो कि बंकर बार्ज की तरह काम करते दूसरे जहाज को तेल देने का, ताकि वो जहाज जा सके, और ये अपने एरिया में रहते थे उसी में। बट बंकर बार्ज जनरली छोटे होते हैं। बंकर बार्जेस फ्यूल सप्लाई बार्जेस दैट मेक बल्क डिलीवरीज टू लार्ज सी एंड रिवर गोइंग वेसल्स, डन, ऑफन विद नो सेल्फ प्रोपेलिंग कैपेबिलिटी, दे आर डिपेंड ऑन टग बोट्स फॉर रिलोकेशन ऑपरेशन अराउंड पोर्ट्स। नाउ टग बंकर बार्जेस दो तीन तरह के होते हैं, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। कुछ होते हैं जो कि सिर्फ तेल खड़ा कर खड़े हैं, उनके पास कुछ नहीं है जो उनको मूवमेंट कर सके। कुछ होते हैं जिनके टग बोट लगा होता है, वो उनको लेके जाते हैं, और कुछ होते हैं जिनका अपना शिप ही होता है, उनका पूरा प्रोपेलर मैकेनिज्म सब कुछ रहता है, पूरा इंजन रूम रहता है, वो अपने आप जहाँ जाना चाहते हैं। नेक्स्ट प्लीज, व्हाट डज अ बंकर बार्ज डू, ये देखिए, सपोज कीजिए बंकर बार्ज है, अब एक ही शिप है, इस शिप ने बोला मुझे ऑयल चाहिए, तो कंपनी ने बोला भाई ऑयल चाहिए, वहां से एजेंट ने बोला ऑयल चाहिए, एजेंट ने दूसरी कंपनी बात की, उसने बोला अरे मेरा जहाज है वहां पे, ये ऑयल दे देगा, तुम्हें पोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। भाई पोर्ट पे जाओगे तो पोर्ट का किराया देना पड़ेगा, मैं तुम्हें बाहरी जहाज पे तेल दे दूंगा। ये जहाज पहुंचा यहाँ पर, पैसे बच रहे हैं, पैसे बच रहे हैं। ये जहाज पहुंचा यहाँ पर, बगल में साइड में लगा, होज लगाई, 500 टन 1500 टन 2500 टन जितना भी ऑयल लेना है, हैवी फ्यूल ऑयल, बंकरिंग करी, मेन इंजन चालू करा, चले गए। ये भी अपना वही खड़ा हो गया। बाद में जब ये पूरा खाली कर दिया, एक दो महीने में वापस अंदर पोर्ट में गया, हैवी फ्यूल ऑयल ले लिया, फिर साइड में आके खड़ा हो गया। समझ में आया? व्हेन अ शिप नीड्स टू रिफ्यूल, अ बंकर बार्ज प्रोवाइड्स, अ बंकर बार्ज प्रोवाइड्स द फ्यूल। द बंकर बार्ज कैरीज द नेसेसरी होजेस एंड इक्विपमेंट टू ट्रांसफर फ्यूल फ्रॉम इट्स स्टोरेज टैंक्स टू द शिप्स फ्यूल स्टोरेज टैंक्स। समझ में आ गया? इसके बाद सारा सामान रहता है, होज रहेगी, क्रेन रहेगी। चलो जी, जय माता दी। द क्रू ऑन द बंकर बार्ज अलॉन्ग विद द शिप्स क्रू वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर द फ्यूल। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बार्जेस, आर्टिकुलेट टग्स एंड बार्जेस। ये क्या है आर्टिकुलेट टाइप, क्या ये बार्ज है जिसके साथ एक टग लगी हुई है। समझ में आ गया? तो बार्ज के अंदर तेल है, कहीं जाना है लेके, लेके चले गए, तेल दिया, वापस आ गए। कल को सिर्फ टग जानी है, बार्ज को वहीं छोड़ा, टग लेके चले गए काम करने के लिए। कॉपीड सेल्फ प्रोपेल्ड वन, जैसे शिप पे मैंने काम किया वो सेल्फ प्रोपेल्ड था, वो शिप ही था अपने आप में, जिसको लोग बंकर बार्ज बुलाते थे। कुछ छोटे साइज में होता, कुछ बड़े साइज में होते, इनका अपना इंजन रूम होता है, पूरा इंजन होता है कुछ, और ये जाते हैं जहां जाना है वहां पर जाके तेल दे देते हैं। कॉपीड थर्ड इज नॉन सेल्फ प्रोपेल्ड, ये सिर्फ ऐसे स्टोरेज टैंकर की तरह खड़े हैं। इनको कहीं जाना है सपोज ऑयल भरने के लिए, तो एक टग बोट आएगी, इनको लेके जाएगी, वहां तेल भरवाएगी, फिर आके खड़े हो जाएंगे, फिर कहीं जाना होगा भरने के लिए, या तो शिप इनके पास आएगा या फिर टग बोट आएगी, इनको वहां लेके जाएगी। सो दीज आर नॉन सेल्फ प्रोपेल्ड बार्जेस। कॉपीड, ये खुद से नहीं चल सकते। नेक्स्ट प्लीज, वर्किंग ऑफ अ बंकर बार्ज। सो ये क्या हुआ, रिफाइनरी, रिफाइनरी में हैवी फ्यूल ऑयल बना, स्टोरेज टर्मिनल में आया, वहां से बंकर बार्ज ने लोड किया। बंकर बार्ज को पता चला ये एक जहाज है यहां पर, इसके पास पहुंचा,
पोर्ट पे नहीं आया जहाज, ये जहाज पोर्ट पे नहीं आया क्योंकि पोर्ट पे किराया लगता है प्राइसेस राइट, और सिर्फ पोर्ट पे आने के नहीं, पर डे के चार्जेस होते हैं, साथ में जो पोर्ट को लेकर आएंगे उसके टग बोट्स के खर्चे हैं, उसके अलावा यूसी क्या कहते हैं, बहुत सारे अलग एक्सपेंसेस जुड़ जाते हैं जो कि मुझे अभी पता नहीं है सॉरी। तो उसके बाद ये जहाज यहाँ पहुँचा, इसके बाद लगा और होस लगाई और तेल दे दिया। ये बिल्कुल, ये तो डिस्टेंस दिखा रहे, ये बिल्कुल साथ ही चिपके बोतल से कहते हैं शिप टू शिप ट्रांसफर कॉकपिट। तो बस इसको तेल दिया, ये यहाँ से चला गया अपना जहाँ जाना था, अमेरिका जाना है, कजाकिस्तान जाना है, और ये अपना यहीं पर खड़ा हो गया। फिर पता चला किसी और शिप को देना है, वहाँ जाके दे दिया, फिर किसी और शिप को, फिर जब इसके अंदर कार्गो खत्म हो गया ये वापस आ गया यहाँ पे, चलो भाई और तेल दे दो मुझे। सो दिस इज ऑइट बॉक्स कॉपेड। नेक्स्ट ओके, टॉप बंकर बार्ज कंपनीज इन द वर्ल्ड में बंकर होल्डिंग्स, मिनर्वा बंकरिंग, वर्ल्ड फ्यूल सर्विसेज, टीएफजी मरीन, इन चार कंपनीज का नाम हमें गूगल पे मिला, हमने डाल दिया है। सो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी और कौन सी चीज़ पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब चैनल मर्चेंट एवरी गुड को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो मी एट चीफ इंजीनियर प्रनीत, डोंट पुट मेहता, एंड दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जिस पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता।